पोटासियम क्लोरेट को हम क्या करना है, हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करना है कि Cl3 को हीट करना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है रिएक्टेंट, हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। इसका नाम क्या है, पोटासियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटासियम क्लोरेट। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे हमारा बनता है पोटासियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है KCl प्लस, यहाँ से हमारा निकलता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में बनता है क्या, KCl, इसका नाम क्या है, पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड है यहाँ पे, वो क्या है, क्लोरेट है। यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया पोटासियम क्लोरेट प्लस क्या निकल गया हमारा, ऑक्सीजन गैस। अब हम क्या करेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन है 3, ये तो बैलेंस नहीं है। पोटासियम 1 है, पोटासियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, बट जो हमारा ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। अगर हम इसके आगे लगाते हैं 2, ठीक है, हमने इसके आगे क्या लगाया, 2 लगाया, तो जैसे हमने इसके आगे 2 लगाया तो पोटासियम भी कितना हो गया, 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, एंड जो ऑक्सीजन इसका 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 6, ऑक्सीजन के टोटल 6 एटम यहाँ पे हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। अब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो पोटासियम एंड क्लोरीन ये भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाएंगे तो केमिकल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से पोटासियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, तो जब हम पोटासियम क्लोरेट को MnO2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बनता है पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगर हम बात करें किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन में कौन सा रिएक्शन है, तो यह थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या हो गया, हमारा डीकम्पोज होकर के 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, क्या, पोटेशियम क्लोरेट।